हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक फेस पैक लाई हूँ जो हर स्किन टाइप वालों को सूट करने वाला है, और वो भी हम घर का एक हमारा ऐसा हमारे किचन का ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सभी के घर में मोस्टली हर टाइम मोस्टली जो आपको मिलने ही वाला है, और हर मौसम में ये जो चीज़ है वो मिल जाती है। वो क्या है? वो है बनाना। बनाना जो है वो हर मौसम में मिल जाता है। कोई ऐसा ये फ्रूट नहीं है कि जो आपको ये नहीं मिलता, कोई सीजनल फ्रूट नहीं है ये, हर मौसम में आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और जितने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे हम खाते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं, कितने इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके बनाना के केले के, तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं कितने बेनिफिट्स हैं इसके। तो अगर हम इसे एज अ फेस पैक अपनी स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल करेंगे तो आपकी स्किन को काफ़ी ये ग्लोइंग और फ्लॉलेस बना देगा। और बहुत इसमें ऐसे ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने का काम करेगा, ऑयली स्किन को ठीक करेगा। अगर आपके पर बार बार पिंपल्स निकल रहे हैं तो उसे भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें आपको ऐसा क्या ऐड करना है कि जो आपकी स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाए, और पिंपल्स के लिए आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, और रिंकल जो जिनकी स्किन पर रिंकल्स हो जाते हैं उनकी स्किन उनके फेस पैक में आप इस बनाना में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जो आपकी ये प्रॉब्लम है सिर्फ एक फ्रूट से ही दूर हो जाएगी। जो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। बाकी आपको इसका मेथड पता होना चाहिए कि आपको इसमें ऐसा क्या ऐड करना है जो आपकी स्किन पर ये सूट करे। तो आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना है कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, कि जो आपकी ऑयली स्किन है मॉनसून में बहुत ज्यादा चिपचिप रहती है फेस पर, बट आप मेरे फेस पर देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि मैं जो है मार्केट के प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम यूज करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, ज्यादातर जो मैं होम रेमेडीज और DIYs ही यूज करती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हमें गॉड गिफ्टेड है ये इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन को बहुत लॉन्ग टाइम तक ब्यूटीफुल बना सकती है। तो मैं इन्हें ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नेचुरल रेमेडीज ही होती हैं। तो आपको कंटिन्यू रहना है कि मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ आपको लेना है एक केला, एक केला भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको हाफ लेना है और उसे अच्छे से मैश कर लेना, लम्ब्स नहीं होने चाहिए। ऑयली स्किन वालों के लिए तो इसमें हम यूज़ करेंगे बेसन, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपकी ऑयली स्किन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ मैंने अपने बालों को अच्छे से कवर अप कर लिया ताकि मेरे बालों पर कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो ना लगे। अपने बालों को अच्छे से सेव कर लीजिए और अपना जो फेस वॉश है वो करके रखें आप ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है। और इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो केले का छिलका होता है उसे अपने फेस पर रब करना है। जितनी भी डेड स्किन है, जितने भी डस्ट हमारे फेस पर लगी हुई है, वो इसकी केले के छिलके की मसाज से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती, काफ़ी हद तक निकल जाती है। आप इसे एज अ क्लिंजर भी यूज़ कर सकती हैं, क्लिंजिंग का काम करेगा। आपके फेस पर जितनी भी डस्ट और डर्ट होती है वो इसे करने से निकल जाती है। बनाना जो है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना फेस वॉश करने के बाद हम जो हमने फेस पैक रेडी करके रखा है केले और बेसन का, उसे अपने फेस पर इस तरह से मसाज करते हुए, सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है। ऐसे ही नहीं आपको लगा लेना है, और आप अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करते करते आप देखना कि आपको साथ साथ ही काफ़ी लगेगा कि आपकी जो ऑयली स्किन थी, चिपचिप थी, स्टिकीनेस जो थी वो आपके फेस से धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको इस फेस पैक को हफ्ते में दो बार यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो दो बार एटलीस्ट आपको लगाना ही है। आप किसी भी टाइम लगाएं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको इस टाइम लगाना है। जब भी आप फ्री होते हैं तभी आप इसकी मसाज अपने चेहरे पर कीजिए, और 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो आपको अपने नेक भी ज़रूर कवर करनी है, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बच गया उसे अपने पूरे फेस पर इस तरह से एज अ फेस पैक लगा लें। 4 से 5 मिनट हम इसे एज इट इज़ रखेंगे, और ये 4 से 5 मिनट के बाद सेमी ड्राई हो चुका था। टोटली ड्राई नहीं करना है, सेमी ड्राई करना है। सेमी ड्राई होने के बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे पानी की हेल्प से डायरेक्ट, या फिर आप स्पॉन्ज की हेल्प से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, और आप रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो स्किन है काफ़ी ग्लो करेगी। आप हफ्ते में दो बार, अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो हफ्ते में दो बार इसे जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जितनी भी ऑयली स्किन थी, आपके फेस पर बार बार पसीना आता है और पिंपल्स निकलते हैं, तो उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी ग्लो कर रहा है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर
स्किन जो है मेरी लग रही है, कुछ भी मेकअप नहीं है, सिर्फ इस फेस पैक का ही कमाल है। सो आई होप आपने ये जो वीडियो है ये आपने कंप्लीट देख ली होगी, पूरा प्रोसेस आपने देख लिया होगा कि कैसे मैंने इस फेस पैक को बनाया है और कैसे इसे अप्लाई किया और कैसे इसे रिमूव किया है और कैसे आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी के लिए तो है ही, जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ अगर हम इसे अपने फेस पैक में ऐड करेंगे तो ये आपकी स्किन को भी काफी हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।